नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नाना साही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और जुल्म के चक्कर में साथ हमारा नारा है, और जुल्म के चक्कर में साथ हमारा नारा है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड के होमगार्ड जवान अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से झारखंड की राजधानी रांची में आंदोलन कर रहे हैं। आज आंदोलन कर्मी होमगार्ड जवान सरकार के रवैये से आक्रोशित होकर रांची के जगन्नाथपुर मंदिर भाया पुंदा मुख्य पथ पे अचानक रोड के बीचों बीच बैठ गए और सड़क ब्लॉक कर दिया। होमगार्ड जवान अपनी मांग पर अड़े हुए थे और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है आंदोलन करते रहेंगे। मौके पर सैकड़ों की संख्या में होमगार्ड जवानों का नेतृत्व करने वाले प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने कहा कि सरकार से अब आर पार की लड़ाई होगी। सरकार की हठधर्मिता से हम लोग तंग आ चुके हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार उन लोगों को पानी नहीं दे रही है। आज झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से राज्य के गिरक्षकों के द्वारा सरकार के खिलाफ सड़कों पर गिरक्षक उतरे थे। सरकार के द्वारा राज्य के गिरक्षक जो धरना पर बैठे हुए हैं उनके लिए पानी की व्यवस्थाएं जो है वो बंद कर दी गई थी। आखिर ये सरकार चाहती क्या है कि एक तो वो बंजर भूमिया दे करके धरना का स्थल चिन्हित किए और ऊपर से पानी की व्यवस्था ठप करके क्या राज्य के गिरक्षकों को मारना चाहती है सरकार? तो मैं सरकार को मीडिया के माध्यमों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार गिरक्षकों के साथ लड़ाई ना करें, वरना गिरक्षक जो है अब काफ़ी आक्रोश में आ गए हैं और झारखंड राज्य के हजारों हजारों की संख्या में गिरक्षक अपने जिले से निकल चुके हैं राजधानी की धरती पर। जल्द ही सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई होगी, इसको लेकर के गिरक्षक पूरी तरह से मुस्तैद है। जेल भरो आंदोलन भी अगर करना पड़े तो उसे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अभी सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा 4 बजे का समय दिया गया है वार्ता करने के लिए। 4 बजे वार्ता करने के बाद 6 बजे झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की आपात बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में जो कमेटी बनेगी उस कमेटी पर ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी मांग को पूरा करे, अन्यथा आर पार की लड़ाई के लिए हम मजबूर होंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।